Hello everyone, this is Saurabh Sharma, assistant professor. We are in a process to study in a wonderful series of public finance, and this is the unit 1 of public finance. And in the first video I told you about the whole syllabus, and in the second video I told you about the introduction of public finance, and in the third video I'm going to teach you about the importance and the terminology and the basic things, the similarities and dissimilarities between the public and private financing system. Let's start the video with the importance first, and then after we will study the terminology, and after that we will going to study the important topic, that is public versus private financing. Let's start. Importance of public finance. Provision of public goods. सबसे पहला heading हमारे पास क्या है? Provision of public goods. For providing public goods like road, military services, street lights etc. Public finance is needed. कह रहा है आपको जो basic service देनी है उसके लिए public finance जरूरी है. Business firms have no incentive to produce such goods, as they get no payment for the private individual. भाई एक बात बताओ, क्या मैं आपसे कहूँ एक काम करो यार, मेरे घर के बाहर की रोड टूटी हुई है यार, रोड बनवा दो, या यार हमारी गली में बहुत अंधेरा रहता, थोड़े से यार यहाँ लाइट वाइट लगवा दो यार, यहाँ लड़के पटके गांधी कॉलोनी में ज़्यादा चक्कर काटते हैं, बताइए क्यों काटते हैं? तो समझदार हैं आप, तो यहाँ पर जरा पुलिस का पहरा लगवाइए. कहेंगे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे ने ठेका उठाया पब्लिक का. अगर मतलब आपके यहाँ पे इतनी चीज़ें, तो किसने ठेका उठाया? भैया सरकार ने ठेका उठाया. सरकार ने ठेका क्यों उठाया? मैंने कहा सरकार तुम टैक्स लेते हो मुझसे, पेमेंट करता हूँ मैं टैक्स की अच्छी खासी, तो इसलिए तुमको ये ज़रूरी है कि तुम ये मेरे लिए काम करो. तो ये पहली इंपॉर्टेंस इसकी है. अब बात करते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस की. नोटबंदी नहीं है, नोटबंदी कोई खास चीज़ जो होगी मैं आपको पहले ही बता दूँ. हाँ जी, फिर आया सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? पब्लिक फाइनेंस अनेबल गवर्नमेंट टू टैकल एंड ऑफसेट द अनडिजायर्ड साइड्स. क्या क्या काम करता? टैकल और ऑफसेट द अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी. देखो ऐसा तो है नहीं कि बाजार हमारे हिसाब से चलता रहेगा, जो हम सोचते हैं वैसे ही चलेगा. कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, लाइक ये कोरोना वायरस आ गया, लाइक नोटबंदी कर दी थी यानी टैक्स का, मतलब सरकार की कुछ, या 2008 की जैसे मंदी आ गई थी 2008 के अंदर, क्राइसिस आई थी जिसको क्या बोलते हैं, लेहमन ब्रदर क्राइसिस. ठीक है, तो जब वर्ल्ड के अंदर मतलब प्रॉब्लम आएगी तो हमारे में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको मार्केट को उस टाइम पे टैकल करना. उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा टैकल किया था. उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? द साइड इफेक्ट आर कॉल्ड द स्पिल ओवर एंड एक्सट्रीमिटी. फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस रीसाइकलिंग प्रोग्राम टू लेसन पॉल्यूशन, और दे कैन मेक लॉज टू रिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन, इम्पोज पॉल्यूशन चार्जेस एंड टैक्स एंड एक्टिविटीज टू ब्रिंग अबाउट द पॉल्यूशन. ये तो खाली इसने पॉल्यूशन के बारे में बात की है, बाकी बहुत सारी बातें होती हैं. फिर नेक्स्ट हम बात करें, पब्लिक फाइनेंस हेल्प गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम. कैसे हेल्प करता? टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, कि अपनी इनकम को कहाँ कहाँ पे खर्च करना, पैसा कहाँ से लाए और कहाँ पे खर्च किया जाए. टू रिड्यूस द इनइक्वलिटीज इन द इकोनॉमी, ताकि बाजार में ऐसा ना हो अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, सभी पे इक्वल खर्चा हो. ऐसा कि सरकार अमीरों पे खर्चा करती जा रही है या सिर्फ सरकार गरीबों पे ही खर्चा करती जा रही है. द गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन टू ऑन रिचर. देखिए सरकार काम कैसे करती है, दो बंदे हैं, चलो बोर्ड पे बनाते हैं. देखिए सरकार कैसे काम करेगी,
एक का नाम है राम, एक का नाम है अंबानी। एक अंबानी है, एक राम है, ठीक है। अब आओ इनके बारे में बात करते हैं। राम की इनकम है इतनी, अंबानी की इनकम है, अंबानी को खुद भी नहीं पता कितने जीरो लगाए जा रहे हैं, अरे हमें भी नहीं पता कितने जीरो लगाए जा रहे हैं, इतनी। तो भाई सरकार को जब टैक्स ठोकना है तो सरकार कैसे टैक्स ठोकती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जीरो से लेकर 2.5 लाख तक टैक्स निल है, और 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक कितना है? निल हो गया। यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है टैक्स? 2.5 लाख से 5 लाख तक है 5%। अब 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, सॉरी 7.5 लाख तक है कितना? 10%। 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक कितना टैक्स है? 15%। 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक टैक्स कितना है? 20%। 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक कितना है टैक्स? 25%। और 15 लाख से ऊपर टैक्स कितना है? 30%। तो अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्स है। तो बताओ इस बंदे पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस बंदे पे तो टैक्स लगेगा नहीं। इस बंदे पे कितना टैक्स लगेगा? अंबानी पे, अंबानी को ठोकना पड़ेगा 30%। क्या अंबानी 30% से तो गरीब होगा ना? और अंबानी के पास बचेगा कितना? 70% पैसा। इसके ऊपर तो कुछ लगेगा ही नहीं, इसके ऊपर जितना था उतना ही रहेगा। अंबानी की इनकम कितनी बच जाएगी? 70%। इस तरीके से अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको भी कम करता है पब्लिक फाइनेंस। आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है जी। पब्लिक फाइनेंस हेल्प गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन द रिचर पीपल एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द नीडी वन। आपको पता ही है यहाँ से लेके क्या करती है। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ तो सरकार पैसा कहाँ से लेगी? 30% यहाँ से लेगी। कहाँ खर्च करेगी? इनके ऊपर गरीब करेगी कि भाई तू तो पहले ही बहुत गरीब है, ले काम कर, स्कूल फ्री में ले, हॉस्पिटल फ्री में ले, स्कूल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, फलाना ढिमकाना इनके लिए सब फ्री कर देती है। फ्री लो, मजा लो, बेसिक एजुकेशन फ्री लो, शादी के लिए पैसा लो, एजुकेशन लो, लैपटॉप लो, अरे फुल मजे उड़ाओ। सर इनका कहना है कि तुम मजे में रहो, पैसा तो ये लोग कमा ही रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर मैं बात करूँ ना इन लोगों की, तो देखो 100 रुपये कमाते हैं, 30% दे रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? हर 100 रुपये में से 33 रुपये सरकार को दे रहे हैं। और सिंप्लीफाई करूँ, हर 3 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये सरकार को देते हैं, 2 रुपये बचते हैं इनके पास। यानी कि अपने ये 1 रुपये से 2 रुपये बनाते हैं बस, ज़्यादा नहीं बना पाते। ये 1 रुपये तो सरकार इनसे ले ही लेती है, ठीक है जी। 100% का प्रॉफिट ये खा जाते हैं लेकर के। चलिए इसके बाद है, पब्लिक फाइनेंस प्रोवाइड मैनी फॉर ए प्रोग्राम फॉर मॉडरेटिंग द इनकम ऑफ रिच एंड पुअर। सच प्रोग्राम इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड अदर प्रोग्राम, अदर सोशल प्रोग्राम, ठीक है गाइज। द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट, द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस हैज बीन इंक्रीजिंग। कह रहा वेलफेयर करने के लिए पब्लिक फाइनेंस का रोल बढ़ता जा रहा। मॉडर्न गवर्नमेंट हैज नो मोर पुलिस स्टेट एज द क्लासिक इकोनॉमिस्ट व्यूज। कह रहा पुलिस की जरूरत नहीं है मॉडर्न गवर्नमेंट को, मॉडर्न गवर्नमेंट तो सीधा सीधा खुद से ही काम करती जा रही है। As the scope of such participation in the economic activities in winding the scope of public finance has also been increasing. क्या कह रहा है? That the scope of state participation in the economic activities is winding in the scope of public finance is also increasing. कह रहा public state का participation बढ़ता जा रहा। Generation of employment opportunities, कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस लाइक बूम एंड डिप्रेशन, यानी कि जब बहुत बड़ा अगर एकदम से उठान आ जाए, एकदम गिरने लग जाए इकोनॉमी, उसको कैसे संभालेंगे? मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर सम ऑफ द थ्रस्ट एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू फाइनेंसिंग ऑपरेशन। देख सीधी सीधी सी बात सुनो यार, कुल मिलाकर ये मोटी मोटी बात इतनी है। जैसे अब कोविड आ गया,
यहाँ देखो कोविड आ गया, इस कोविड 19 के दौर में हुआ क्या है भाई, इस कोविड के दौर में हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। अब क्यों गिरती जा रही है, ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस के ये हैं दरवाजे और दरवाजे पे ये लगा है लंबा सा ताला, जब कोई आ जा ही नहीं सकता तो भैया सारी देश ही बंद पड़ा है तो इकोनॉमी तो गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी, रोजगार गिरेगा, सब कुछ गिरता जाएगा। ऐसे में देश को संभालने के लिए कौन आगे आया, ये भाई साहब आगे आया, इन्होंने क्या करा, लो पैसा डालो, ये हमारी इकोनॉमी थी, इन्होंने कहा ये डालो पैसा, बहुत सारा पैकेज लेके आए, पता नहीं कितने का, 20 लाख करोड़ का पैकेज शायद ये पैकेज लाए थे, पर वो 20 लाख करोड़ एक धोखा था अपने आप में ही, इसमें से कुछ ही बात सही थी, बाकी सब कुछ सच्चा नहीं था। बहुत इस तरीके से दिया गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तो MSME को दिया गया था, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्हें ज़्यादा फायदा दिया था, इसके बारे में बात की थी इन्होंने ज़्यादा। तो ये था, ठीक है, तो इनको जो हम टैकल कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। बाय, टेक केयर।